क्यों बकवास बातें खास की पॉपुलैरिटी से अर्चना पूरन सिंह सदमे में। कपिल शर्मा शो पर उनके अट्टहास के वॉल्यूम में आई कमी। दर्शकों ने शो बकवास बातें खास की पूरी टीम को दिया दिल से धन्यवाद। पुतलिया की शादी नहीं हो पाने से लोगों में भारी दुख, लेकिन कुछ युवाओं में खुशी की लहर। चैनल के माध्यम से पुतलिया को मिल रहे हैं हर रोज बहुत से एलिजिबल बैचलर्स से शादी के ऑफर्स। बर्थडे की सरप्राइज पार्टी में दोस्तों के द्वारा एक महिला की उम्र का ढिंढोरा पीटने का दर्दनाक मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने बदला लेने के लिए पार्टी में उपस्थित सभी दोस्तों की उम्र की खोली पोल। इस भयानक वाकये से लोगों में दहशत का माहौल। कमिंग अप नेक्स्ट 40वें बर्थडे का पूरा सच। शो बकवास बातें खास के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। दर्शकों, बड़ी आई दर्शकों को प्रणाम बोलने वाली। अरे जितने लोग एक्टिंग करते हैं ना, वही इस शो को देखते होंगे बस। हाँ, तो आज का ये स्पेशल शो हमेशा की तरह एक बहुत ही बकवास टॉपिक पर बनाया गया है। आजकल एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है और वो ट्रेंड है एक महापर्व मनाने का। ये महापर्व है लोगों का 40वां मतलब 40th बर्थडे सेलिब्रेट करने का। हमारा सवाल है कि आखिर क्यों ये बर्थडे ही खास है? 35 या 39 का होना क्यों खास नहीं है, या फिर 41 या 45 का? ऐसे वाहियात सवाल और भी हैं हमारे पास, जिनके जवाब जानने के लिए हम चलते हैं अपने स्टूडियो के सुपर काबिल पत्रकार नई पत्रकार के पास। मिस पत्रकार, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। अभी तक कान बिल्कुल ठीक है मेरे। एक साल बाद भी सेम ही डायलॉग, मतलब इम्प्रूवमेंट का कोई चांस ही नहीं है सच में। मिस पत्रकार, कैन यू प्लीज फोकस ऑन टुडेज टॉपिक? फोकस? हाँ, तो बहुत से फालतू सवालों की लिस्ट है हमारे पास, जिनके जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इस महान पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे? आखिर कौन है वो महान शख्सियत जिनको लगा कि बस यही एक जन्मदिन है जिसका ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए? चलिए अपने सवालों को लेकर चलते हैं अपने पहले ऑडियंस के पास और पूछते हैं अपना पहला सवाल। हाँ तो रीना जी, आप बताइए कि आपको 40 का होकर कितनी खुशी हुई? हे भगवान, कौन आपको पत्रकार बनाया जी? लड़की लोग की उम्र का बात किया जाता है कहीं? माइक को उल्टा घुमा के खुदे काहे नहीं बता देती हैं कि आपको कितना खुशी हुआ? बंद कीजिए कैमरा अपना। अब पूछना है तो सुजाता से पूछिए ना, वो तो जरूर 40 पार होगी। कौन? हम? बा, हम आपको 40 के देखते हैं जी। गजब बात कहते हैं। आंखों खराब तो नहीं है ना आपका? पुष्पा से पूछिए ना जाकर, 40 की तो होबे करेगी। हम देखे हैं उसको बहुत बार, नजदीक से कुछ पढ़िए नहीं पाती है। अब बच्चा सब बहुत बड़ा है उसका। बच्चा बड़ा है मेरा? बच्चा बड़ा हुआ तो क्या हुआ जी? शादी कितना पहले हुआ था मेरा, ये भी तो देखना चाहिए। कितना छोटे में शादी हो गया था मेरा। वो प्रियंका से पूछिए ना, वो जरूर 40 के ऊपर की होगी। उसका आँख के ऊपर वाला लाइन जो है ना, वो एकदम नीचे आ गया है। उसी से पूछिए ना, वही बताएगी। क्या आँख के ऊपर का लाइन? वो कैसे देखी जी? हम तो हमेशा चश्मा पहने रहते हैं। इतनी जलन खुट्टी सब है ना कि का बताएं। टीवी पर ही सब बात कहीं बोलना चाहिए। उमीना से पूछिए ना, वो तो पक्का 40 की हो गई होगी। बाल पूरा सफेद है उसका, गोदरेज केस काला लगा कर रंगी रहती है। हम और 40 के? OMG, what are you saying? I'm still unmarried and look at my skin, can you see the glow? क्या नहीं दिख रहा है? ब्लॉसम या एवरग्रीन फिल्टर लगा के देखिए ना, दिखेगा। हम और 40 के। अच्छा, इन सब में से तो कोई 40 का हुआ ही नहीं है इट सीम्स, तो लेट्स सी किससे पूछें अब। हाँ, एक दादी जी दिख रही हैं, उनसे पूछते हैं। का ए? 40 साल के हो? अरे नहीं तो, हमारा जन्म कब हुआ था? हाँ, माँ बोलती थी कि कोनो पूस के महीना में अमावस्या, नहीं नहीं नहीं, पूर्णिमा के दिन हमारा जन्म हुआ था। ता रुकिए, जोड़ते हैं। अगला पूस में 1 साल, फिर दूसरा में 2 साल, तीसरा में 3। ता अरे अरे अरे, बाप रे,
अगर ये इस तरह से जोड़ती रही तो हम तो यहीं पर 40 के हो जाएंगे। अब देखिए ऑडियंस में तो कोई मिलिए नहीं रहा है 40 का। वैसे अच्छा ही हुआ, कौन सा हमको ऐसे बकवास सवाल का जवाब जानने में कोई इंटरेस्ट था। नाउ इससे पहले कि कोई हमको टोके, लेट्स एंड दिस शो फास्ट और दोबारा इस शो को देखने बिल्कुल मत आइएगा। टोटल बकवास है सच में, हम तो चले। तो हमेशा की तरह हमने जो बोला था वो डिलीवर नहीं किया, बहुत सारी बकवास की और पूरा टाइम पास किया। लेकिन सच सच बताइए, इस शो के द्वारा हम आपके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लाने में सफल तो जरूर हुए होंगे, है ना? तो बॉटम लाइन ये है कि आप अपना कोई सा भी बर्थडे मनाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और आपत्ति आखिर हो भी क्यों, ये आपकी जिंदगी है और आप इसमें जो भी करना चाहें खुशी खुशी कर सकते हैं। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी का हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक हर एक पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताएं जिनकी जिंदगी में आपका होना मायने रखता है, क्योंकि जिंदगी तो क्षण भंगुर है। आज कोई है कल नहीं होगा, आज सांसें चल रही हैं कल बंद हो जाएंगी। सो लेट्स बी थैंकफुल फॉर द लाइफ वी हैव एंड सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ इट। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। शो बकवास है, बातें खास है। अच्छा सुनिए, फिर से आप पूरा वीडियो देखकर बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जा रहे हैं, बहुत गलत बात है ये तो। अरे सब्सक्राइब कीजिए भाई, कौन सा पैसा लग रहा है आपको, है ना? If you like our work, please subscribe to our channel. Click the like button and share our videos with your family and friends. इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।